अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है व डोरी से उसकी जीभ दबा सकता हो? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है व उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा व तुझसे मीठी मीठी बातें बोलेगा व वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से व अपने लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से व उसका सिर मछुए के तिरशुलों से भर सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए, फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, सारी जो कुछ धरती पर है वो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। ऊपर के ऊपर के पहलवाने को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पंक्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है, वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जड़े हुए हैं कि उनमें कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छिकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खलौती हुई हांडी और लटे हुए नरकंटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाटे के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सूध बूध लोभ हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा, और न भाले और न बर्ची और न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता, गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं, लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्ची के चलने पर हंसता है, उसके निचले भाग पैने ठिकड़े के समान है। कीच पर मानो वह हिंगा फेरता है, वह गहरीले जल को हंडी किनारे मतता है। उसके कारण नील नदी मरहम के हंडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है, गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है, और जो ऐसा निर्भय बनाया गया है, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है।